नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। क्यूबिक क्यूबिक के रिजल्ट को लेके प्रैक्टिकली आप तक भी ये नॉलेज होगी, आपको भी पता होगा कि रिजल्ट आ रहे हैं, लेकिन क्या सिचुएशन है मैं आपसे डिस्कस करूंगा अभी तक की जो है। अगर आप चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब कर लें, एंड स्टूडेंट वीजा की एप्लीकेशन के लिए वीजा ऑफिस की टीम को आप कॉल कर सकते हैं 9041090410। तो क्यूबिक की सिचुएशन बहुत कुछ देखा आपने, आपको सारी अपडेट्स ऑलरेडी पता भी है प्रैक्टिकली, क्योंकि स्टूडेंट के ग्रुप भी बने होते हैं। तो प्रेजेंटली ज्यादा नहीं तो मैं इतना आपको बता सकता हूँ कि क्यूबिक के रिजल्ट में थोड़ी सी स्पीड आई है। पीपीआर की मैं बात कर रहा हूँ, स्पीड पहले भी ठीक ठाक चल रही थी, क्यूबिक के रिजल्ट आ रहे थे, लेकिन उसमें रिफ्यूजल की रेशियो बहुत ज्यादा थी। लेकिन स्टिल जिनकी एप्लीकेशन पेंडिंग्स है उनके लिए अभी भी होप है कि उनका पॉजिटिव रिजल्ट आ सकता है, क्योंकि अब मेरी रिसेंट, क्योंकि जो मेरे लिंक में केसेस हो गए उनका मैं आपको प्रैक्टिकली बता सकता हूँ। पहले मैंने कुछ कॉलेजेस के बताए थे रिजल्ट को लेकर, पिछली वीडियोज अगर आप देखें क्यूबिक के ऊपर तो वहां मैंने कुछ कॉलेजेस का बताया था जहां जो है पीपीआर आ रही है। तो अभी हाल ही में पिछले कुछ दिनों से जो मैंने ऑब्जर्व किया है कि सीडीआई कॉलेज है उसकी पीपीआर काफी आ रही है। जी हाँ, क्योंकि देखो सारे कॉलेज मेरे पास नहीं होंगे जहां मेरे केसेस होंगे, जहां मेरे लिंक में केसेस होंगे, तो जहां पे होंगे मैं उस अकॉर्डिंग आपको बता सकता हूं। बाकी कॉलेजेस के भी आए, जिसमें कुछ कनाडा कॉलेज की भी आई थी, लेकिन स्लो रहा था सिस्टम, साइड बाय रिफ्यूजल्स भी आ रही है। तो क्यूबी के राइट नाउ रिजल्ट आ रहे हैं, उसमें रिफ्यूजल भी है, लेकिन अभी पीपीआर भी आ रही है। अब रेशियो के कंपैरिजन में जाएंगे तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, लेकिन यस, ये रियलिटी है कि क्यूबिक वाले बच्चों के रिफ्यूजल भी काफी आए, डॉक्यूमेंट मांगने के बाद भी जो है उन्होंने रिफ्यूज उनको किया। और अभी जो रिफ्यूजल्स आ रहे हैं उसमें काफी बच्चों को एक चीज लिखी जा रही है फाइनेंशियल के ऊपर ऑब्जेक्ट करके भी रिफ्यूजल दिए जा रहे हैं। इवन कुछ बच्चे जो मेरे पास आए थे वहां पे फाइनेंशियल रिसोर्सेज के ऊपर भी उन्होंने कहा था कि रिसोर्सेज आपके जो है वो हमें क्लियर नहीं है, मतलब कि आपकी इनकम कहाँ से आ रही है, आगे की फीस कहाँ से पे होनी है बिना काम के, ऐसे रीजन भी आईआरसीसी दे रहा है। चाहे आप इसको बहाना बना ले रिफ्यूज करने का या वट एवर, लेकिन आईआरसीसी का डिसीजन है, आप इतना चैलेंज उसको आप नहीं कर सकते। तो क्यूबिक वाले बच्चों के लिए आज की अपडेट तो ये है कि आपके रिजल्ट आ रहे हैं, चाहे ठीक ठाक स्पीड से ही आ रहे हैं, जिसमें रिफ्यूजल भी आ रही है और साथ में पैलर बेसिस के ऊपर आपकी जो है पीपीआर भी आ रही है। सो यहाँ पे आगे भी रिजल्ट आते रहेंगे। अब क्योंकि आई नो सितंबर निकल चला है, अभी आगे डेफरमेंट का भी शुरू हो जाना है, तो क्यूबिक में एक अच्छी बात है, बुरी तो बहुत चीजें निकल के आई, अच्छी बात यह है कि आपको डेफरमेंट का कोई ज्यादा चैलेंज नहीं रहता, क्योंकि वहां पे जो कॉलेजेस में नई एडमिशन कोई ज्यादा किसी ने प्रमोट नहीं की, पुराने बच्चे ही है बस, जब तक उनके रिजल्ट नहीं आते तो नए बच्चे भी अप्लाई नहीं करेंगे। तो वही कारण है कि उन कॉलेजेस में डेफरमेंट को लेकर कोई चैलेंज नहीं आ रहा, वो डेफरमेंट आपको ईजी दे रहे हैं। तो अब मैं डेफरमेंट की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे तो ये कहना चाहिए कि आप विड्रॉ कर लो। मैं डेफरमेंट की बात इसलिए कर रहा हूँ कि आप में से ही कई बच्चे ऐसे हैं जिनके आयस एक्सपायर हो चुके हैं, गैप इतना बढ़ चुका है कि अगर वो विड्रॉ करेंगे तो आगे वीजा का कोई चांसेस उनको नहीं लगे। 18 पासवर्ड की एग्जांपल ले लो, 18 पासवर्ड एक साल से तो फाइल लगी है, अब गैप की क्या जस्टिफिकेशन दोगे, ऊपर से आपका आज या पीटी एक्सपायर हो चुका है या होने वाला है। तो ये तो बहुत स्टक होने वाली सिचुएशन है। तो यहां पे इसलिए मैंने कहा कि वो डेफरमेंट भी दे रहे हैं, हालांकि अभी तक फीस रिफंड को लेकर कोई चैलेंज नहीं आया, विड्रॉ आप कर सकते हैं, लेकिन मेक श्योर करें कि आपका जो प्रोफाइल है उसमें कुछ ज्यादा गैप ना पड़ चुका हो, क्योंकि वो भी एक दिक्कत है कि चाहे आपकी गलती है या नहीं है, क्योंकि प्रोसेसिंग तो आईआरसीसी की एंड से ही स्लो थी, लेकिन कहीं ना कहीं इसका जो लॉस होता है वो हमेशा एप्लीकेंट को ही होता है, क्योंकि एप्लीकेंट हमें नीड है वहां जाने की, उनके पास तो स्टूडेंट और कंट्री से भी आ रहे हैं। लेकिन फ्यूचर जो एप्लीकेंट है, आप देखिए, अब एक और क्वेश्चन मुझे आया था कि क्या क्यूबिक अप्लाई करेंगे ना, मैं हमेशा कहता हूँ कि क्यूबिक अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो कॉलेजेस वगैरह इस लिस्ट में थे उनको आप अवॉइड कर सकते हैं, पब्लिक फंडेड कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी को प्रेफर करें। वीजा अभी भी क्यूबिक के बाकी जगह से भी आ रहे हैं, लेकिन ओवरऑल क्या था कि अभी आगे चल के पॉलिसी रिफॉर्म होनी, आपको ध्यान हो तो थोड़ा सा सोच समझ के उस चीज के ऊपर काम करें, अदरवाइज क्यूबिक के बिना भी सस्ती फीस वाले, उसके साथ में प्रिंस पड़ती है नोवा स्कोशिया, तो आप उस चीज को भी देख सकते हैं। सो इससे आपको क्या है कि कम फीस वाले ऑप्शन और जगह भी अवेलेबल होते हैं। जनरी टेक अभी भी ओपन है, लेकिन सीट्स जो है वो अब लिमिटेड होती जा रही, तो आप एज सून एज पॉसिबल चाहे कहीं भी अप्लाई करना आप कर लें, लेकिन हाँ मेरी सिंपल सी एडवाइस है, प्रॉपर वे में अपना रिसर्च वर्क जरूर करें, क्योंकि आप स्टूडेंट हैं, आपने बाहर जाना है, आपकी भी ड्यूटी है कि आपका प्रोफाइल है, तो आप रिसर्च वर्क जरूर करें। हम भी कोशिश करते हैं अपने चैनल से अपडेट करने की, तो ऐसी अपडेट भी इस चैनल पे आती रहेगी, क्योंकि मैं क्यूबिक की बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं बनाता, क्योंकि जब कुछ प्रैक्टिकली होता है तो मेरी कोशिश रहती है कि आपको अवेयर करूँ। हालांकि काफ़ी इन्फॉर्मेशन ऐसी भी हो सकती है जो आप तक, क्योंकि आप एप्लीकेंट हैं तो आप डेली उस चीज़ में रहते हैं, तो आपके पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी हो सकती है, वो आप कमेंट की फॉर्म में बाकी जो स्टूडेंट होंगे उनसे भी शेयर कर सकते हैं। सो और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।